नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सटीक बात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। बताया जा रहा है दिल्ली से सटे हरियाणा के मेवात में पिछले कई दिनों से सुर्खी में बने मदरसा हत्याकांड का खुलासा हो गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 11 साल के मासूम का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका 13 साल का सबसे जिगरी दोस्त ही है, और हत्या के पीछे की वजह ने भी सभी को हैरान कर दिया है। नूह के एक गाँव के मदरसे में पढ़ने वाला 11 साल का समीर 3 सितंबर को मदरसे से गायब हो गया था, और शाम 7 बजे हाजिरी लेने पर मदरसा संचालक को वह गायब मिला। समीर यहां से उर्दू और अरबी की पढ़ाई कर रहा था। काफी देर तक समीर की तलाश करने के बाद मदरसा संचालक ने उसके घर पर सूचना दी। परिजनों के तलाशने पर भी वह नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत की गई, और 2 दिन बाद 5 सितंबर को मदरसे के बेसमेंट से बदबू आना शुरू हो गया। इसके बाद जब नीचे जाकर देखा तो बेसमेंट में बड़ी क्रेशर के नीचे मिट्टी के अंदर उसकी लाश तभी मिली। इस कमरे की पहले भी तलाशी की गई थी, लेकिन तब किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ था। बताया जा रहा है मदरसे की पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या कर डाली, और आरोपी और मृतक समीर की आपस में अच्छी पड़ती थी। दोनों एक साथ खेलते कूदते भी थे। समीर आरोपी छात्र की बातें खूब मानता था, इसलिए उसने समीर को ही मौत के घाट उतारने का फैसला लिया।